लेट्स स्टार्ट। हमने ये अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें रिकॉल करवा दूँ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉइंट प्रोडक्ट्स जो हैं बेसिकली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉमन इनपुट, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, एक ही रॉ मटेरियल से हम उनको प्रोड्यूस करते हैं एक ही प्रोसेस से। और सेकेंडली ट्रीटेड एज मेन प्रोडक्ट एंड हाईली सेलेबल वैल्यू, इक्वली इम्पॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, सिग्निफिकेंट उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर हम उनको एक सेपरेबल पॉइंट्स के ऊपर जाके सेपरेट कर देते हैं उन जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं। और इसी जो हम प्रोसेस जो प्रोडक्शन का प्रोसेस रन कर रहे थे फॉर जॉइंट प्रोडक्शन जॉइंट प्रोडक्ट्स, तो उसी प्रोसेस के साथ एक एक्सीडेंटली या इंसीडेंटली कुछ और प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। वह प्लान्ड नहीं होती। देखें, फ्रॉम कॉमन इनपुट्स प्रोड्यूस इंसिडेंटली, नॉट प्लान्ड प्रोडक्शन, इनसिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू एंड देन माइनर इन क्वांटिटी, यानी उनकी जो प्रोडक्शन होती है इन यूनिट्स कह लें तो वो भी क्या है, कुछ ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव नहीं होती, माइनर क्वान्टिटी होती है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स अपने जहन में रखते हैं, अभी आने वाले क्वेश्चन में हमारे काम आएंगे। तो उसमें ये है कि जॉइंट प्रोडक्ट की जो कास्टिंग है, यानी कास्ट की जो अपोर्शनमेंट है, एलोकेशन है, वो हम बिटवीन द जॉइंट प्रोडक्ट्स किस वे में करते हैं, उसके मेथड्स हमने काफ़ी सारे पढ़े भी हैं और आगे भी कुछ और पढ़ेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और बाई प्रोडक्ट की इसी तरीके से जो कास्ट होगी या वैल्यूज होंगी उनको हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करते हैं अपनी कास्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये अब आपने ज़रा थोड़ा सा देखना है, मैं आपको क्वेश्चन अभी करवाता हूँ, तो उसमें आप ये देखेंगे। जी, आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13 है, इसमें हम देखें कि हम किस तरीके से वर्कआउट करते हैं चीजों को। न्यूपोर्ट केमिकल कंपनी मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट्स RS&T ड्यूरिंग नवंबर। द फॉलोइंग जॉइंट कॉस्ट वर इनकर्ड: मटेरियल्स 180,000, डायरेक्ट लेबर 100,000, फैक्ट्री ओवरहेड 70,000। दीज ऑल आर जॉइंट कॉस्ट। क्वान्टिटीज jointly produced were R 20,000, S 50,000, T 30,000. Additional costs after split of point were R के साथ direct labor and factory overhead use हुआ, S पे 35,000 and overhead 25,000, उसके बाद T पे 18,000 and F वर्क जो है वो 12,000. Unit sales price are ₹7 for R and $7 for S and $8 for T. Required है जी हमें, number one, gross profit for each product, assuming that all units produced were sold and that joint cost is allocated using the market value method. ठीक है, तो अब इसको देखें कि हम इसको कैसे sort out करते हैं। Gross profit हमारी destination है, ठीक है। तो again हम इसके लिए अभी tables बनाते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे प्रोडक्ट, दैट इज आर एस एंड टी, उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, क्योंकि उन्होंने हमें यही इंफॉर्मेशन दी है कि जो प्रोडक्शन है वही सेल आउट होगी। तो ये है जी हमारे पास, उन्होंने बताए हुए हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ देख लें, क्वांटिटी जॉइंटली प्रोड्यूस्ड वर आर के हैं हमारे पास 20,000 यूनिट्स और एस के हैं 50,000 यूनिट्स एंड टी के हैं हमारे पास 30,000 यूनिट्स। उसके बाद यूनिट सेल प्राइस, $7, $5 एंड $8।
उसे हम कह सकते हैं अल्टीमेट मार्केट वैल्यू या टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ फंड, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू। मल्टीप्लाई करते हैं 1,40,000 हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,50,000 हो जाएगा ये, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2,40,000 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं जो हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, यानी आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, अब आप इसको क्वेश्चन में देखें तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है आर के साथ जो यूज हुई है वो कितना है, लेबर 25,000, ये यहाँ पे पहले पढ़ लें, एडिशनल कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, डायरेक्ट लेबर 25 एंड FOH 15,000, तो इनको आप टोटल कर लें, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर के ऊपर यूज हुआ 40,000 और यहाँ पे यूज हुआ 60,000 और यहाँ पे यूज हुआ 30,000 आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये आप कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यूज टोटल बन जाएंगे जी, ये हमारे पास हुआ 40,000, ये हुआ 60,000 और ये हुआ जी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट में 30,000। उसके बाद हम कॉलम बना लेंगे हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी हम इसे कहते हैं नोशनल वैल्यू भी इसे हम कह सकते हैं, हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट माइनस कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये अल्टीमेट मार्केट वैल्यू है, ये फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है और ये हमारे पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। तो हम अभी इस जगह पे हैं जब अल्टीमेट मार्केट वैल्यू करते हैं, तो हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो हमारी डेस्टिनेशन यहाँ पे आ जाती है जहाँ पे हमने इनको सेपरेट करना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे हम पहुंचेंगे तो हम जॉइंट प्रोडक्ट्स के दरमियान जो कास्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, अप्रोप्रिएशन उनमें कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहुंच, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको अल्टीमेट मार्केट वैल्यू में से हम फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट माइनस कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू 1,40,000 और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 40,000 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 100,000 और ये हमारे पास हो जाएगी 1,90,000 और ये हमारे पास हो जाएगी 210,000। अब इस स्पेस पे हमें क्या करना है, जॉइंट कास्ट को बेसिकली एलोकेट करना है, तो हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं 210,000 प्लस 190,000 एंड प्लस 100,000, ये हमारे पास बन जाता है जी 500,000। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास एलोकेशन ऑफ जॉइंट कास्ट, तो यहाँ पे मैं जरा मेंशन कर देता हूँ एलोकेशन ऑफ जॉइंट कास्ट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो जॉइंट कास्ट है वो है कितना। ओके, लेट्स सी इन द क्वेश्चन, तो जॉइंट कास्ट जो है हमारे पास क्या है, जॉइंट कास्ट वर इंक्लूड मटीरियल 180,000, लेबर 100,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 70,000, तो हम इनको क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो डायरेक्ट मटेरियल है वो है 1,80,000, कहीं वर्किंग में वर्किंग वन के वन लिख के आप इसे कर सकते हैं, लेबर जो है 100,000 एंड FOH 70,000, जब से टोटल करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास 350,000 विच इज जॉइंट कास्ट।
ठीक है, अब हमने इस जॉइंट कास्ट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू मेथड। ओके, अब ये है जी हमारे पास आर। सबसे पहले तो आर की जो मार्केट वैल्यू है वो 1 लाख है, आउट ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी 500,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3,50,000। यहाँ से आप वैल्यू जीरोस को क्रॉस भी कर सकते हैं, अदरवाइज फिर वो डिवीजन वाला रूल है, जैसे आप इसको इजी समझ लें। ये हमारे पास वैल्यू बन रहे हैं जी, आर को जो कास्ट जा रही है वो है 70,000। आर के हिस्से में कास्ट का जो पार्ट आ रहा है जॉइंट कास्ट का 70,000। इसी तरीके से एस का 190,000 डिवाइडेड बाय 500,000 एंड 3,50,000। ये हमारे पास बन रहा है जी 1,33,000। इसको कास्ट का जो हिस्सा मिल रहा है वो 1,33,000। देन टी को देख लेते हैं हम, 210,000 डिवाइडेड बाय 500,000 एंड इनटू 3,50,000। ये हमारे पास बन रहा है जी 1,47,000। तो हम इसको यहाँ पे पार कर देते हैं 1,47,000। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है कि जो हमारे पास जॉइंट कास्ट थी वो हमारे पास क्या हो गई है, सेपरेट हो गई है कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना कास्ट का हिस्सा पड़ रहा है। उसके बाद हम कॉलम एक बना लेते हैं टोटल कास्ट, टोटल कास्ट। अब आप जरा यहाँ पे गौर करें, टोटल कास्ट मैं किसे कह रहा हूँ, जिन्हें जॉइंट कास्ट प्लस जो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है हर प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पर देखें ये जॉइंट कास्ट है आर की, ये फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है आर की, तो टोटल कास्ट इसके ऊपर क्या पड़ी हम यहाँ लिख सकते हैं, तो प्लस करके 110,000। और इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 1,93,000, और इसको प्लस करते हैं जी 1,47,000 प्लस 30,000, 1,77,000 प्लस, जब हम इसे करते हैं तो ठीक है जी। तो ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई। अब हम हमारा जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, बेसिकली आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट रिक्वायरमेंट वन में। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। सेल्स वैल्यू आपके पास है पड़ी, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू एंड टोटल कास्ट भी है पड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ से इनको जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी यहाँ पे मैं फॉर्मूला टाइप एक लिख देता हूँ, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू माइनस टोटल कास्ट, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। अब ये हमारे पास आर के लिए क्या है, 1,40,000 एंड 1,10,000। तो यू मे सी 30,000 जो है ये हमारा क्या होगा, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें 2,50,000 एंड माइनस 1,93,000, तो यहाँ पे इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो है 57,000। और अगर हम यहाँ पर देखें प्रोडक्ट टी का 240,000 एंड माइनस 177, तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है वो 63,000 आ रहा है। तो इन दिस वे ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कर लिया। तमाम प्रोडक्ट्स का टोटल भी करना चाहें तो ये टोटल प्रोडक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ये इनकी सबकी टोटल कास्ट आ जाएगी, और ये इन सबकी टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। यानी टोटल में से टोटल कास्ट माइनस करेंगे तो अगेन वो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होगा।
मैं अभी टोटल कर लेता हूँ, ये अल्टीमेट मार्केट वैल्यू टोटल है 6,30,000, और जो ग्रास कास्ट है हमारे पास टोटल में 4,80,000। अब टोटल मार्केट वैल्यू माइनस टोटल कास्ट, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000। ये मैंने रो वाइज किया यहाँ से यहाँ पे। अब अगर आप इसे कॉलम वाइज देखना चाहें तो इसे भी आप सम अप कर सकते हैं, तो ये भी हमारा यही होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। यस, ये भी हमारे पास 1,50,000 ही बन रहा है। तो इन दिस वे हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स में मार्केट वैल्यू मेथड को यूज करते हुए जॉइंट प्रोडक्ट कास्ट को हमने एलोकेट किया और फर्दर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट वन थी। रिक्वायरमेंट टू में हमें क्या बताया गया है, डिसीजन एज टू वेदर प्रोडक्ट आर शुड बी सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट फॉर $4.50 पर यूनिट आर प्रोसेस्ड फर्दर एंड सोल्ड फॉर 7 पर यूनिट। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आर है सिर्फ उसी पे आपने फोकस करना है, उसके बारे में हमें क्या कहा गया। प्रोडक्ट आर को हमें सेल आउट कर देना चाहिए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर 4.50, या हमें फर्दर प्रोसेस करके अल्टीमेटली 7 पर यूनिट पे बेचना चाहिए, जो हमने ये देखें कैलकुलेशन की हुई है 7 के ऊपर। हमें इसमें ज्यादा बेनिफिट होगा जब हमने 7 पे बेचे, या हमें 4.50 पे अगर वो बिकती है तो बेच देना चाहिए, कहाँ पे हमें प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब देखें इसको डिसीजन लेने के लिए हमें दोनों साइड्स के प्रॉफिट्स चाहिए, जिनको हमने कंपेयर करना है कि किस पे बेचें, किस साइड को हम फॉलो करें। जब हमने फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट को फॉलो किया और उससे अल्टीमेटली $7 पर यूनिट बेचा, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं वो कितना है, 30,000 है। तो ये एक तो फिगर हमारे पास मौजूद है। अब हमने इसको कंपेयर किससे करना है, उस फिगर से, प्रॉफिट के उस फिगर से, जो अगर हम 4.5 पे बेच दें एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो हमें वहां पे ये प्रोडक्ट क्या प्रॉफिट देती है। तो फिर हम देखेंगे कि हम इसे फर्दर प्रोसेस करें या उसे उस पॉइंट पे बेच देना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ देखें इसको, रिक्वायरमेंट टू, सेल्स रेवेन्यू या सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दैट इज, अब इसके यूनिट्स जो है 20,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय बेचने कितना के कह रहे हैं वो 4.50 पर यूनिट। ठीक है, ये देखिए आर के 20,000 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट होगी वहां पे वो कितना होगी, 20,000 इंटू 4.50 दैट इज 90,000, दैट इज 90,000। और कास्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कास्ट कितना होंगी, तो हमारे पास दो ही कास्ट थी यहाँ पे, एक जॉइंट कास्ट को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरा फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट। तो फर्दर तो हम जा ही नहीं रहे, यानी यहाँ पे हम क्या बेसिकली लिखेंगे, पोर्शन ऑफ जॉइंट कास्ट जो इसके हिस्से में आया है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, पोर्शन ऑफ जॉइंट कास्ट जो इसको हिस्से में आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितना है प्रोडक्ट आर के ऊपर, 70,000। तो कास्ट है जी वहां पे 70,000, अगर हम उसे वहां बेच देते हैं। अब देख लें कि प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 20,000, यानी अगर आप उसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हैं तो उसे क्या होगा, 20,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 30,000 प्रॉफिट होगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रॉफिट इफ प्रोसेस फर्दर $30,000 एंड प्रॉफिट इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट
$20,000। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे आपको प्रॉफिट है 10,000 का एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आप प्रोसेस फर्दर करते हैं। ये आप यानी क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या होगी कि मैनेजमेंट शुड गो फर्दर टू प्रोसेस फर्दर एंड सेल आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मैनेजमेंट शुड प्रोसेस फर्दर एंड अर्न सेल रेवेन्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। टू अर्न हायर सेल रेवेन्यू लिख लें, टू अर्न हायर सेल रेवेन्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दैट्स इट। तो ये था जी आपका क्वेश्चन, इसमें हमने ये चीजें डिस्कस की। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो ये बात हम कर रहे थे बाय प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉइंट प्रोडक्ट से। तो जॉइंट प्रोडक्ट की बात हमने कर ली, अभी बाय प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो इसके फीचर्स मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, अभी मैं दोबारा कर देता हूँ कि ये जो है क्या एक्सीडेंटल प्रोडक्शन होती है इसकी, यानी कोई प्लान प्रोडक्शन नहीं होती, एक्सीडेंटल प्रोडक्शन, ठीक है, नो प्लान प्रोडक्शन। दूसरा, इसकी जो क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन की वो भी क्या होती है, कम होती है, इनसिग्निफिकेंट कह लें, माइनर कह लें। और सेल्स वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं आपस में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो कास्टिंग के वेज हैं कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेशन में लेके आते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसके जो वैल्यूज हैं यानी उसकी सेल वैल्यू है या जो भी इसके हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं जी सेल्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, अब उसकी जो सेल्स वैल्यू है और फिर हम इसको सेल्स वैल्यू के साथ इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट अगर है तो वो भी देख लेते हैं, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसको सेल करने के लिए यूज होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्चुअली अपने पहुंचना होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो फिर हम इन सारी इसकी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, नंबर वन कि हम अपने रेगुलर जो सेल्स रेवेन्यू है उनमें ऐड कर, रेगुलर सेल्स रेवेन्यू जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स से आती हैं उनके अंदर हम इनको क्या कर दें, प्लस कर दें सेल्स रेवेन्यू ऑफ या वैल्यू ऑफ सेल्स रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। एक काम ये करें हम अपनी रेवेन्यूज बढ़ा दें। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम जो प्रोडक्शन कास्ट है उसमें रिडक्शन कर ले, यानी वो जो टोटल हमारी प्रोडक्शन कास्ट आई हुई है हम सेल्स रेवेन्यू क्या कर दें उसमें से माइनस कर दें, प्रोडक्शन सेल्स रेवेन्यू ऑफ जो है बाय प्रोडक्ट की, ताकि हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कास्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। यहां से क्या कर दें, लेस रेवेन्यू फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली तो ये दो ही हैं और तीसरा ये भी है, चले इसको देखें कि हम उसकी सेल्स रेवेन्यू को यूज करें एज अदर इनकम, एज अदर इनकम। और जो फोर्थ वन है उसे हम कहते हैं रिवर्सल कास्ट मेथड। और सबसे ज्यादा यही यूज होता है जो एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो,
रिवर्सल कास्ट मेथड, और ये बेसिकली एनआरवी की अप्रोच को यूज करता है। तो हम अभी ये क्वेश्चन जो करने लगे हैं उसमें यही मेथड यूज करेंगे, तो आप उसको देखिएगा कि कैसे इसको वर्कआउट करते हैं। तो आप ये देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को, उसके बाद हम बात करते हैं। बाय प्रोडक्ट कास्टिंग मार्केट वैल्यू रिवर्सल कास्ट मेथड, जैकमैन कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखते हैं वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाय प्रोडक्ट्स, ए एंड बी ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। फॉर अप्रैल द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल। मेन प्रोडक्ट उनकी सेल्स रेवेन्यू है 75,000, बाय प्रोडक्ट की 6,000 एंड 3,500 और टोटल जी है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर सेपरेशन यानी जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद की कास्ट है वो ये है। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हर प्रोडक्ट के अपने पे दे दिए गए। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन ये है, यानी ये सेपरेशन से पहले की कास्ट है, मींस कॉमन कास्ट या जॉइंट कास्ट जिसे हम कहते हैं। प्रॉफिट अलाउड फॉर ए एंड बी इज 15% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। रिक्वायर्ड कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन फॉर बाय प्रोडक्ट्स ए एंड बी यूजिंग द मार्केट वैल्यू रिवर्सल कास्ट मेथड। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि जो बाय प्रोडक्ट की कास्ट बनती है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू रिवर्सल कास्ट मेथड, वो कास्ट कैलकुलेट करें, फिर उस कास्ट का करना क्या है वो अगली बात है। देखिए पहले हमने ये करना है कि उनकी कास्ट बनती क्या है एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है, बेस्ड ऑन रिवर्सल कास्ट मेथड। अब आपने देखना है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट वन लिख दें और यहाँ पे लिख दें प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ये एक भी हो सकती थी तो हम एक का लिख लेते। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, अभी हम रिवर्स जा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने इसे इतने में बेचना है तो हम इसमें देखो एक सेकंड, मैं इसमें दो तीन चीजें ऐड कर। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी जॉइंट कास्ट का हिस्सा, ठीक है, हम कहते हैं इसमें हमने फर्दर कुछ और प्रोसेसिंग कास्ट करनी है, ठीक है, फिर हम कहते हैं जी ये कास्ट हो गई, हमने इतना इसमें से प्रॉफिट रखना है, तो हम बेचेंगे कितने में, इस वैल्यू पे, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू दे दी गई है, हमने पहुंचना है इस कास्ट पे कि जॉइंट कास्ट का हिस्सा उसका कितना बनता है, तो हम ये चीजें क्या करेंगे माइनस, ये भी माइनस और यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसलिए अब रिवर्सल कास्ट मेथड इसलिए इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, सेल्स जो है रेवेन्यू जो सेल्स वैल्यूज वहां से, प्रोडक्ट ए एंड बी इसकी वैल्यू है जी 6,000 और इसकी जो वैल्यू है वो है 3,500 डॉलर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब ये हमें डिफरेंट वे में दिया हुआ है 15% एंड 12%, 15% एंड 12%। तो आप 6,000 का 15% और 3,500 का 12% कैलकुलेट करें, ये आपके पास आ जाएगा 900 और ये आपके पास आ जाएगा 420। ठीक है, ओके, ये हो गया माइनस। अभी सिर्फ इस ऊपर वाले डायग्राम को भी आपने देखते जाना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमने माइनस करना है जी हमारे पास जो मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे टू सेल दिस प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस ये हमारे पास मौजूद है, या अगर आप देखते जाए ये वाले मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 750 एंड 550 ये हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर देखें हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाते हैं,
जब हमने ये माइनस किया तो ये हमारे पास आ गए जी 4350 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 25 and 30। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट यानी आफ्टर सेपरेशन, इसको फर्दर कास्ट क्या हुई 1100 फिर 900 एस्टिमेटेड फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 1100 and 900। ये हमने माइनस किया यहां से, तो यहां पे हम लिखेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी कॉस्ट आ गई। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है, इसमें से हमने ये बैकवर्ड जाना है, माइनस किया प्रॉफिट, फिर माइनस किया सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फिर माइनस किया फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, तो हम कहाँ पहुँच गए कास्ट पे, यानी ये नॉशनल कास्ट है या इसे हम कह लें एस्टिमेटेड वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स क्या आ जाते हैं हम देखते हैं, तो ये है जी 3250 और ये हमारे पास 16 and 30। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है यही है, अब इस पे क्या हुआ हमारे पास जॉइंट प्रोडक्ट्स भी बनी और बाई प्रोडक्ट्स भी बनी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली बेस्ड ऑन रिवर्सल कास्ट मेथड। इसका मतलब है टोटल जॉइंट कास्ट में से ए और बी की अगर वैल्यूज हमारे पास आ गई है तो बाकी क्या होगी मेन प्रोडक्ट की कास्ट आ जाएगी जो एलोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू जॉइंट कास्ट रूल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जॉइंट कास्ट जो थी हमारे पास वो क्या थी, वह जी हमारे पास ये जॉइंट कास्ट फर्दर भी लिख लू बिफोर सेपरेशन, तो ये आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है 37,500। तो रिवर्सल कास्ट मेथड के थ्रू हमने ए और बी की जो कास्ट है वो फाइंड कर ली है, कास्ट ऑफ ए एंड कास्ट ऑफ बी दैट इज 3250 and 1630। ये हम अगर इनमें से माइनस कर दें तो जो जॉइंट कास्ट का बकिया अमाउंट होगा वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू मेन प्रोडक्ट, हम यहाँ लिख लेंगे कास्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, कास्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सारा कुछ हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 32,620। तो ये हमारा जो है रिक्वायरमेंट वन का आंसर है जिसमें उन्होंने हमसे पूछा था कैलकुलेट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बिफोर सेपरेशन फॉर बाय प्रोडक्ट ए एंड बी यूजिंग द मार्केट वैल्यू रिवर्सल मेथड। तो उसमें हमने ये यहाँ तक बेसिकली रिक्वायरमेंट वन है, ऊपर वाला जो पार्ट है, तो ये भी मैंने आपको फर्दर बता दिया कि अगर ये हम यहाँ से माइनस कर देते हैं तो बाकी अमाउंट होगी कास्ट की वो किसके हिस्से में आएगी मेन प्रोडक्ट, जो भी हमारी मेन प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेन प्रोडक्ट एक ही है, अगर यहाँ पर मेन प्रोडक्ट भी दो होती तीन होती तो फिर हम इसी कास्ट को क्या करते फर्दर डिवाइड करते उन मेन प्रोडक्ट्स में ए बी सी में जो भी होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन मेथड, वो मार्केट वैल्यू मेथड हो सकता था, फिजिकल यूनिट्स मेथड हो सकता था, एवरेज यूनिट मेथड हो सकता था, कोई भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमें एक ही मेन प्रोडक्ट है तो ये सारी की सारी कास्ट क्या है सिर्फ उसी के रिलेटेड है। ठीक हो क्या जी, नेक्स्ट चलते हैं, प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट डिटेलिंग सेल्स एंड कास्ट फॉर ईच प्रोडक्ट।
अब इनकम स्टेटमेंट बनाना है हमने, तो देखिए हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट, ये रिक्वायरमेंट हुए हमारे, लिख लेते हैं। अब यहां लिखेंगे हम मेन प्रोडक्ट, ए एंड बी, ये हमारी बाई प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी सेल्स रेवेन्यू। अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर हमने किस तरह से इसको वर्कआउट करना है। सेल्स हैं जी हमारे पास मेन प्रोडक्ट की जो सेल है 75,000, और इसकी जो सेल्स है वो 6,000, और इसकी जो सेल्स है वो 3,500 डॉलर्स। ये मैंने एक ही दफा लिख दी। अब इसमें से हमने क्या करना है, लेस करना है कास्ट, या जिसे हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ठीक है, कास्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब कास्ट ऑफ सेल्स में आपने देखना है, सबसे पहले आप यहाँ लिख लेंगे जेंट कास्ट, और फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, जो इनकी यानी कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, और वही हमारे कास्ट ऑफ सेल भी है यहाँ पे, क्योंकि इन्वेंट्रीज के बैलेंसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जॉइंट कास्ट है मेन प्रोडक्ट की, वो कितना ही हमने कैलकुलेट की है अभी, 32,620। और फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट हमें इसके ऊपर कितना पड़ी, ये आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आफ्टर सेपरेशन 11,500। ये जी 11,500, तो ये यहाँ से इन दोनों को हमने क्या करना है, बेसिकली माइनस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करें कितना आता है जी हमारे पास इसका ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 30,800। अच्छा जी, अब यहाँ पे है जॉइंट कास्ट, इनके हिस्से में कितना है, 3,250, और इसके हिस्से में 1,630। और जो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है 750, नहीं सॉरी, ये 1,100 एंड 900, ये जो आफ्टर सेपरेशन 1,100 एंड 900। तो इसी तरीके से ये भी यहां से क्या होना है, माइनस हो जाएंगे, ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, जो कि हमारे पास बन रहा है 1,650, 1,650 एंड दिस प्रोडक्ट 970। उसके बाद यहाँ से हम लेस करते हैं मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस 6,750 एंड 550। ओके, यहाँ पे एक थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 75,000 जो है वो हमारे पास सेल्स है मेन प्रोडक्ट की, उसमें से ये हम माइनस कर देते हैं उसकी जो जेंट जेंट कास्ट है 32,620 एंड देन 11,500, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बनता है ग्रॉस प्रॉफिट 30,880, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक अपने पास करेक्शन कर लें। मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को
इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये 6000 है मेन प्रोडक्ट के, 750 एंड देन 550, 6000, 750 एंड 550, तो ये हमारे पास मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हो गए। अब हम यहाँ पे इनका प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, 30,880 माइनस 6,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,880, 1650 माइनस 750, इस प्रॉफिट इज 900, 970 एंड माइनस 550, 420 ये इसका प्रॉफिट हो गया। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि किस तरीके से हमने उनको अकाउंट फार किया, किस तरीके से उसको कैलकुलेशंस में लेके आए, और किस तरीके से हमने रिवर्सल कास्ट मेथड के थ्रू बाय प्रोडक्ट्स की पहले कास्ट को कैलकुलेट किया और फिर उसको बाइफरकेट किया फर्दर जॉइंट कास्ट के साथ, ये कितना जो है ना जॉइंट कास्ट में से इसकी कास्ट को माइनस करना होगा। बेसिकली अब यहाँ पे आपने देख लिया कि इनकम स्टेटमेंट हमने कैसे बनाई और रिवर्सल कास्ट मेथड को किस तरीके से हमने फॉलो किया। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे मेन, अब हमारा कंसर्न क्या था कि हमने जो जेंट जो ये वैल्यू थी, एस्टिमेटेड वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यानी कास्ट थी, हमने अपने जेंट कास्ट को, यानी जो टोटल हमारी प्रोडक्शन कास्ट थी, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया बाय द वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। देखिए ये देखिए कि हमारी जो कास्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ से 37,500 हमारी बेसिकली क्या थी, जॉइंट कास्ट थी, तो जो उनकी वैल्यूज थी हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स की, वो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्या कर दी, माइनस कर दी, ताकि हमारी जो मेन प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, और यही हमारी अब मेन प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्ट की जो कास्ट है हम फर्दर अपने इनकम स्टेटमेंट में देखें लेके गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुई, बेसिकली हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो रिड्यूस हो गई बाय दीज वैल्यूज। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आपने देखा इसमें हमने किस तरीके से कैलकुलेशंस को पिन पॉइंट किया और उसको वर्कआउट किया। थैंक यू वेरी मच।